हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ और आपको उसी क्वेश्चन से सारे टॉपिक को क्लियर कर लेना है। तो मेरे पास आज का टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसे समझेंगे हम क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी टू टाइप्स की होती है आपकी। एक तो होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड सेकंड वन होती है आपकी, ये होती है फर्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सेकंड होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर, दो टाइप की होती है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी, एक तो होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होती है हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो तरीके डेरिवेट होते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या करते हैं हम, लिमिट ये आपको याद रखना है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ठीक है, इसके बारे में आपको सभी को पता है कि a क्या होता है। a ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो। क्लियर, a कौन सा पॉइंट होता है जिस पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो। तो ये तो सॉरी ये हो जाती है आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको माइनस का साइन आ जाता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ए, ठीक है, अपॉन एच। और लेफ्ट हैंड वाले में नीचे वाले में जो एच आप अपॉन में रखते हो वो नेगेटिव एच होता है। क्लियर, तो ये हो जाता है आपका बेसिक कंसेप्ट, ये आपको पता ही होना चाहिए। और अब हम देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में हम किस तरीके से इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। क्लियर, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी के थ्रू आप सीख पाओगे कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन के लिए चेक करते हैं। क्लियर, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो है हमारा फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन गिवन है x square sine 1 upon x when x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ठीक है, तो इसी पे हमें क्या चेक करके बताना है, इसी को हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताना है। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे होती है। अब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब LHL इक्वल टू RHL आपके एग्जिस्ट करने चाहिए, LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, एग्जिस्ट मतलब उनकी कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि वो क्या डिफरेंशिएबल है। क्लियर, अब देखो सबसे पहले आप कौन सी चेक करना चाहोगे, कोई सी भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर इसकी राइट हैंड लिमिट। क्लियर, तो कौन सी चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो कर दीजिए राइट हैंड लिमिट का आपका क्या था राइट हैंड लिमिट मतलब RHL के लिए क्या था, राइट हैंड लिमिट मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर डी। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे आप, तो देख लीजिए यहाँ क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। क्लियर, क्या करेंगे, आपको सभी को कंसेप्ट पता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, एफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। क्लियर, अब देख लीजिए यहां से आप रख दीजिए a प्लस एच मतलब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, जीरो। a क्या होता है, हमेशा याद रखना है आपको, a वो होता है जिस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। सब उसको यहाँ पर जीरो पर चेक कर रहे हैं, वन पे भी कर सकते हैं, टू पे भी कर सकते हैं, थ्री पे भी कर सकते हैं, तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड है कि वो किस पे आप किससे डिफरेंशिएबिलिटी पूछ ले। क्लियर, तो रख दीजिए यहाँ पर फंक्शन आपका साइन स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। क्लियर, तो रख दीजिए, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, साइन स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। तो रख दीजिए जहां पर x है वहां पर क्या रखना है, a प्लस एच रखना है। क्या रखना है, a प्लस एच, और a की वैल्यू यहां पर कितनी है आपकी, जीरो। तो क्या रखोगे, जीरो प्लस एच। सबसे पहले तो आपको लिमिट h टेंस टू जीरो ही लिखना होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहां पर a प्लस एच मतलब जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर साइन वन अपॉन, जहां पर भी x है वहां पर क्या रख दोगे, जीरो प्लस एच। क्यों रख दोगे, क्योंकि ये हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हमें ये रखना ही होता है। क्लियर, और अपॉन में टोटल में h। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व कैसे करेंगे,
अब देखो अगर हम इसमें डायरेक्ट जीरो रख देते हैं, डायरेक्ट जीरो रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो इंटू वन अपॉन इन्फिनिटी, मतलब जीरो जीरो इंटू जीरो अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो सबसे पहले आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इसमें रूल लगाने ही पड़ेंगे। क्लियर? अब देख लीजिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो रहेगी। क्लियर? लिमिट एच टेंस टू जीरो रहेगी, कितना बचा एच स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एच, एच स्क्वायर सही से लिख लिए, यह आ जाएगा आपका एच स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एच। क्लियर? इतना आपकी समझ में आया होगा। ये जो आपका यहाँ पर एच स्क्वायर बच रहा है नीचे वाला, क्लियर, तो इस एच स्क्वायर, ये जो ऊपर वाला एच स्क्वायर से इससे एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा आप देख लीजिए यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, अब देख लीजिए एच इंटू साइन वन अपॉन एच। अब यहां पर रख दीजिए आप जीरो इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू आप इसमें जीरो रख दोगे तो जीरो साइन वन अपॉन एच, तो कितना आ जाएगा, जब किसी भी नंबर के आप मल्टीप्लाई जीरो से करते हो तो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। और इसकी अगर ये वन अपॉन इन्फिनिटी आप यहाँ पर रख भी देते हो वन अपॉन जीरो, तो साइन हमेशा आपका मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन देता है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन देता है, इस इंटरवल के बीच में वो चलता रहता है। देखो साइन का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका माइनस वन है और ये आपका प्लस वन है, तो इस तरीके से सपोज दैट आपका यहाँ से माइनस कोई भी ग्राफ चलाया साइन ने, तो नीचे माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू वन देता है और मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाता है आपका RHL की मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी जीरो आती है, एज इट इज आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे आप, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या कर लेंगे, सेम वही है, क्या करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस का एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का एच। बस क्या डिफरेंस है, देखो एक तो यहां पर माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है, एफ ए माइनस एच, उसमें ए प्लस एच कर रहे थे, तो मतलब राइट हैंड से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि राइट हैंड का मतलब किसी भी चीज में आगे की तरफ बढ़ना और लेफ्ट हैंड का मतलब है किसी भी चीज में पीछे की तरफ हटना। इसी तरीके से आपका डेरिवेटिव है, इसी तरीके से आप लिमिट निकालते हो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, तो सेम वही कंसेप्ट है इसमें भी, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें समथिंग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसमें समथिंग ऐड कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप रख दीजिए वैल्यू, सेम वही आ जाएगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, ये एन नहीं है एच है, ठीक है, अपॉन माइनस का एच। क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस से माइनस तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए आगे क्या आ जाता है, इस एच से ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो कितना बच जाता है आपका एच साइन वन अपॉन एच, और यहां पर आप लिमिट रखोगे तो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है लिमिट रखने के बाद। क्लियर? तो अब देख लीजिए आप, अब आपको दिख रहा होगा ये भी जीरो था, ये कौन सा था, ये राइट हैंड डेरिवेटिव था। क्लियर? ये क्या था, राइट हैंड डेरिवेटिव था, और ये क्या आपका, ये आपकी वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। और मैंने क्या बताया था आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए। और एक चीज और आती है लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन की लिमिट अगर आप जीरो रख रहे हैं तो आपको क्लियरली जीरो मिल ही रहा है। क्लियर? उसने ऑलरेडी दे रखा है कि जीरो पर जीरो दे रहा है। अब इस चीज को देखने के बाद आपके समझ में क्या होगा, देखो किसी भी फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पे इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशियबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफरेंशियबल, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये जो आपका एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स है, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कैसा हो जाएगा, डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल। देखो डिफरेंशियबल का मतलब क्या होता है, हम बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी इंटीग्रेटिंग पढ़ते रहते हैं, डिफरेंशियबल का मतलब था चेंज विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, किसी भी साथ चीज के साथ चेंज होना, जैसे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होना, तो इस तरीके से जो भी चेंजेस आते हैं, किसी लिमिट के साथ चेंज होना और एक पर्टिकुलर वे में चेंज होना, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, एक पर्टिकुलर वे में चेंज होना ही डिफरेंशियबिलिटी कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लिमिट निकालते हैं कि किस तरीके से डिफरेंशियबल उस लिमिट पे है या नहीं है, तो ये हमने डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन की चेक की है,
और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपके पास दो ही चीजें होती हैं, एक तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है। तो इस चीज को आप हमेशा नोट करके रखें, अपने माइंड में रखें कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या चीजें होती हैं। बस इतना आप दो चीजें आप ये याद रखें अपने, और आप किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। बस आपको रूल थोड़ा सा पता होना चाहिए सॉल्यूशन का, वो सभी को मोस्टली पता ही होता है। क्लियर?